हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल fanzilla.com। तो आज मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई, इसलिए मैं दूसरे चैनल पे केमिस्ट्री की वीडियो भी नहीं डाल पाऊँगी। दूसरे चैनल का नाम पता है ना आपको, लेट्स लर्न विद डी ए। वहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ 11th 12th को। तो भाई साहब, बहनों, भाई नहीं, कोई मेरा भाई नहीं है, ठीक है, भाइयों और बहनों और उनके भाइयों। अच्छा, तो मैं क्या बना रही हूँ आपको, चलो हिंट देते हैं थोड़ी सी स्टोरी बता के। तो डिज्नी प्रिंसेस है ये, और एक फैमिली था, उनके घर में कोई भी चाइल्ड नहीं था, और उन्होंने क्या किया, गॉड से प्रे किया। काफ़ी सालों के बाद उनके घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई, और बेटी पैदा होने के बाद उसको क्या हुआ, उसको परियाँ क्या बोलते हैं, उसको ब्लेसिंग्स देने आई थी। आइडिया तो लग ही गया होगा क्या बना रही हूँ मैं। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसको एक जो काली परी थी, जिसको बोलते हैं मतलब विच टाइप की, उसको इनवाइट नहीं किया हुआ था। तो उसने गुस्से में आके राजा को कहा कि तुम्हारी बेटी सोई रहेगी, जब वो 18वें पर्दे पे किसी नुकीली चीज़ को हाथ लगा देगी तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी। तो राजा ने बोला, ये क्या शराब दे दिया तुमने, अब इसका तोड़ दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि एक प्रिंस आएगा तो उसको क्या करेगा, उसको किस करेगा, जो कि रियल किस होनी चाहिए, प्यार वाली किस, तो उसके बाद वो जाग जाएगी। तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी का नाम, अब वो सोई है तो क्या स्टोरी होगा इस पिक्चर, इस मतलब इस नॉवल का, इस स्टोरी का, इस टेल का, फेरी टेल का नाम क्या होगा, आपको आइडिया है, कोई बता सकते हो, कोई आइडिया है, बताओ। जी हाँ, इसका नाम है द स्लीपिंग ब्यूटी। एंड ये जो प्रिंसेस मैं बना रही हूँ, इसका नाम है, बताओ आप लोग बता दो, आज की हमारी प्रिंसेस का नाम है प्रिंसेस अरोरा। क्या नाम है, प्रिंसेस अरोरा। तो आपने स्केचिंग प्रोसेस तो देख ही लिया होगा, आपको फेस बनाना है, पहले आइज़ बनाना है, फिर गाड़ियाँ चलानी है, बाइकें चलानी है। तो ये जो है ना, आज मैंने ना, ये जो मैं थक गई थी, मैं कहीं गई थी और मैं थक गई थी, तो मैंने सारी की सारी जो ये जो स्केचिंग करी ना, मैंने गोद में रख के की, और गोद में क्या हुआ कि प्रॉपर ऊपर फोकस नहीं हो पाया कैमरा से, तो जिस जो स्केचिंग देखो मैं किस तरह से की है, वहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश की है, जितना मतलब कैमरे में ला सकती थी उतना लाया। उस टाइम पर मैं थक गई थी, तो अब ये स्केचिंग करके मैं बता तो रही हूँ, लेकिन ये पूरा फ्रेम नहीं आ पा रहा, तो ये सिर्फ स्केचिंग तक है। ऐसा मैंने पेंटिंग करते टाइम पे ऐसा नहीं किया, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं की है। उस टाइम पे मैंने बस गोद में डायरी रखी और उसके ऊपर मैंने स्केच करना शुरू कर दिया। तो ये देखना, साइड पे भी चल रही है इस टाइम पे, यहाँ पे साइड पे उसकी दूसरी वाली एल्बो बना रही हूँ और वो मैंने क्या किया हुआ है, उसको रेंज में नहीं आई, कैमरा की रेंज में नहीं आई, मेरी गोद में रख के। ऐसे कौन रिकॉर्ड करता है यार, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, है ना, ऐसा काम मैं ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये बन गया पूरा का पूरा स्केच हमारी अरोरा का। अरोरा ये स्टार्ट हो गई है मेरी कलरिंग। अरोरा की पाल है येलो, उसका ताज है येलो मतलब गोल्डन कलर का, उसकी ड्रेस थोड़ी सी पिंकिश पर्पल है। तो ये हेयर्स में कलर हो रहे हैं। यार आज कोई गाना नहीं है क्या अरोरा का, स्लीपिंग ब्यूटी स्लीपिंग ब्यूटी, कोई गाना है क्या स्लीपिंग ब्यूटी। येलो कलर्स हेयर्स पे, मैंने आपको लास्ट भी बोला था ना, लास्ट टाइम भी बोला था, स्ट्रोक पेंटिंग और दो तीन बारी अगर आप शेड देते हो ना, दो तीन बारी अगर आप ब्रश की स्ट्रोक देते हो ना इसको, बालों को, जब भी आपको दो तीन लेयर्स बनानी होती है तो आपको लेयरिंग मिल जाती है वाटर कलर से, है ना, काफ़ी सारी लेयरिंग मिल जाती है, अच्छी सी लेयरिंग मिल जाती है। ओके, तो यार हमें इस पर बात नहीं है क्या कोई करने के लिए, यार मैं क्या बोलूँ आज मैं ना, मैं पूरी तरह से ना इस टाइम पे बेकार हूँ, बेकार मतलब बेरोज़गार हूँ इस टाइम पे, यू नो
अपना टाइम पास करने के लिए वीडियोस तो बनाती रहती हूँ, लेकिन इसके अलावा अब ये चैनल भी पता चलते 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 ऐसे चैनल जब हम लोग बनाते हैं ना, मैं दिल की बात कर रही हूँ, जब हम लोग ऐसे यूट्यूब बनाते हैं ना, यूट्यूब तो कुछ उम्मीदें लेके खोलते हैं, तो पता नहीं अगर कोई देखेगा तभी जाके समझ आएगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी तक मेरा स्टार्टिंग है, तो अभी तक मेरी यू फॉलोअर्स कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब यही 25-30 फॉलोअर्स हैं इस वाले चैनल पर, और दूसरे वाले चैनल पर भी खींच के 50 है। तो मतलब मैंने अभी 20-20 वीडियोज़ तो मैं बना ही दी हुई हैं, तो अगर मतलब कोई देखता है और कोई अप्रिशिएशन भी नहीं है, कोई मतलब कमेंट्स भी नहीं है, तो मुझे मतलब समझ नहीं आती, आगे मोटिवेशन नहीं मिल पाती, ना लाइक्स आते हैं ना व्यूज़ आते हैं, और मुझे समझ नहीं आता गूगल काम कैसे करता है, क्योंकि रोज़ की वीडियोस तो मैं डाल रही हूँ, तो अभी भी सिस्टम समझ में नहीं आता। अच्छा, ये फेस पे मैंने वाइट और थोड़ा सा क्या रेड यूज़ किया है, तो थोड़ा सा पिंकिश कलर बन गया है फेस का, स्किन कलर, तो आपको देखने में प्रोसेस काफ़ी अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है बनी हुई। इसका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। ये जो एक्स्ट्रा येलो कलर स्किन पे आ गया था, तो मैंने क्या किया, उसको गीला ब्रश लिया और वो मारा, और उसके बाद क्या हुआ, वाइप कर लिया, देखा कलर निकल गया। वाटर कलर निकालने का भी एक अच्छा तरीका होता है ना, गीला ब्रश लो थोड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ा रब करो, ब्रश के साथ रब करो, तो जो वाटर कलर है ना एक्स्ट्रा वाला जो हमें नहीं चाहिए वो निकल जाता है, फिर उसके बाद उसको वाइप कर लो। तो अभी मैं उसको स्किन कलर दे रही हूँ, जो उसकी स्किन है, ऑफ शोल्डर ड्रेस है उसकी, तो मैं उसको स्किन कलर दे रही हूँ। रख हौसला मेरे जिंदगी, आज मैं थक गई हूँ, आज मेरा मन कर रहा है ये गाना सुनने का, आपने सुना ये वाला गाना, ना ना ना, मैं गाना लगा रही हूँ पीछे से, जिंदगी, मुझे गाने का वर्ड्स नहीं याद आ रहे, मुझे कुछ भी याद नहीं है, पता मुझे आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, ये पर्पल कलर स्टार्ट किया, पर्पल कलर मैंने कल भी बताना सिखाया था ना, थोड़ा सा रेड थोड़ा सा ब्लू, बिल्कुल टिंट सा रेड टिंट सा ब्लू और वाइट, उससे आपको एक प्यारा सा पर्पल सी शेड मिल जाती है। ओके, जिंदगी सॉन्ग, जिंदगी NDIGI सॉन्ग, ये मैंने गलत स्पेलिंग बोली, जुबिन जुबिन सॉन्ग, पर्पल ड्रेस, उंगली पकड़ के सिखाया था ना। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं पिंक कलर दे रही हूँ, थोड़ा सा पिंक कलर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्रेस में थोड़ा पिंक कलर चाहिए था, बिल्कुल लाइट सा पर्पलिश हो गया था, तो मुझे पिंकिश पर्पल चाहिए। क्या लगा, ड्रेस का कलर अभी ठीक हो गया ना, सूखने के बाद ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, शाइन नहीं रहेगी इसमें। ये देखो मैं पिंक कलर कर रही हूँ बाजू में भी थोड़ा थोड़ा, आवाज आ रही है आपको पीछे से थोड़ी सी म्यूजिक की, एक दिन मोहब्बत छोड़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर, ये ब्लू कलर हो गया उसकी आगे ऊपर कॉलर क्रोशेट, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, आपको पता छोड़ कर तेरे को छुपा कर के सर रखना मेरे कांधे पे सर सर, कुछ तो बता जिंदगी, ये आपका क्या है सीन, क्राउन जिंदगी, एक लेयर और दे दो बालों पे, एक लेयर और नेकलेस पे भी, लिप्स पे थोड़ा पिंक कलर दे रही हूँ मैं,
जिंदगी सुंदर लग रही है ना, पेंसिल कलर की बारी, लाइंस के ऊपर शेडिंग दे रही हूँ थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए। रात में तेरे हक पढ़ेंगे साथ में कुरान, जो बनना रह गया एक ख्वाब जैसे हाथ में शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं अदाज पसना हो ना तू जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना बता जिंदगी। पेंसिल उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर, थोड़ा लाइट येलो, सनशाइन येलो कलर दे रही हूँ हेयर्स के। क्राउन के ऊपर शाइन पड़ रही है, दैट्स व्हाई इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर शेड के लिए थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा लाइट येलो, सनशाइन येलो दे दो, ठीक है ना। इसमें शेडिंग दिख रही है, कल की जैस्मिन वाली देखी थी ना आपने वीडियो, कल तो बहुत अच्छा ब्लिंक आया था उसके वीडियो के ऊपर, कल की तो मैं मुझे तो बहुत बहुत पसंद आई थी। थोड़ी सी डेप दे दिया करो बीच बीच में, ये मैं ब्राउन कलर दे रही हूँ, ब्राउन लाइट ब्राउन, मतलब थोड़ा वाटर ज़्यादा, थोड़ा डाइल्यूट सा ब्राउन कलर बालों की शेड्स के लिए दे रही हूँ, ठीक है। How's it? She's looking beautiful. Pink pencil color. For the dress. Pink purplish color. Yeah. Looks good. Eyes. ये मेरा favorite काम है, पता है? जब eyes और face बना दो ना, फिर हमारी जो painting होती है, हमारी princess में जान तब आती है, जब पूरा का पूरा eyes बन जाती है। तभी जान आती है सही, तो है ना। तो मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जेल नहीं है, बॉल है, बॉल पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, बॉल पेन यूज़ कर रही हूँ मैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब बोलते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, मेरे को कोई नहीं करता यार लाइक शेयर। मैं इतनी अच्छी वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, कोई भी नहीं देखता, यूट्यूब आगे पता नहीं फॉलो क्यों नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार ही नहीं करता मेरे से, बात ही नहीं करता मेरे से। सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल, सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग पीपल। गॉड, ये ब्लैक आउटलाइनिंग का टाइम आ गया। यार ये कुछ पंजाबी गाना लगा यहाँ पे, जिंदगी मेरे को नहीं आता पंजाबी गाने में, ज्यादा सुनती नहीं हूँ। आपको सुनने, आपको अच्छे लगते हैं? चल डांस करें, नहीं मुझे टैन हो जाएगा। अच्छा जी, नीचे थोड़ा सा बाल रह गए थे, येलो हो रहे थे। अच्छा जी, पिंक स्केच कलर, लिप्स थोड़ा सा आईब्रो शेडोज के ऊपर। अच्छा गाना यार, यार मैंने पिंक कलर करके, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी, मैंने आउटलाइनिंग में पिंक कलर की दे दी लालच लालच में, बट आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मत करना ओके, मतलब सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह पे देना, सारी जगह शेड मत दे देना, ठीक है। वाह,
हमने नोज के ऊपर क्या किया, यही नहीं पता मैंने क्या किया। आप ये नहीं करेंगे, आप जितना बना चुके हैं आप उतना ही करेंगे, ठीक है? आपने कुछ नहीं करना। मैं थोड़ा सा स्किन कलर लिया, मैंने सोचा थोड़ी आईब्रोज को थोड़ा डार्क कर देती हूँ, मैं चीक बना ली इसकी। ये अरोरा हमारी रेडी हो चुकी है, वो बालों के ऊपर थोड़ा सा मैं शेडिंग देने के लिए, मतलब थोड़ा आउटलाइनिंग देने के लिए मैं ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। ओके, ये देखो शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल ना। ये क्या है, नाइस। अब उसका क्राउन दिख रहा है ना, उसमें शेडिंग क्राउन पे मैं रेड शेड रेड आउटलाइनिंग दे रही हूँ उसके ऊपर, ये क्राउन अलग से थोड़ा दिख जाए, है ना। नाउ वाइट कलर, वाइट पेन का थोड़ा सा क्राउन के ऊपर शाइन दे दो, वाइट से थोड़ा ब्लिंक आ जाता है ना, ब्लिंक देना ज़रूरी होता है। इसके नेकलेस के ऊपर भी दे दो और आइस के ऊपर, अब आइस शाइन करना शुरू हो गई, ये देखो। और डे कौन सा है, 7। आज मैंने ये नहीं बोला कि आज मैं क्या है, 100 डेज चैलेंज ऑफ मेरी डिज्नी प्रिंसेसेस। और ये देखो मेरी डिज्नी प्रिंसेस अरोरा कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये मैंने शाइन पेन यूज़ किया, ग्लिटर पेन यूज़ कर लिया, और ये ग्लिटर पेन क्योंकि मेरी सनक है, ये ग्लिटर पेन है, यूज़ करना शाइन देना, शाइन देके कितनी सुंदर लग रही है। यू नीड, अब क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से, बेल आइकन पे क्लिक करो, ऑल पे क्लिक करो जाके, और क्या करना है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।